स्कूल का क्या नाम है और यहाँ किस तरीके की दिवाली को लेकर के क्या खास तैयारी चल रही है? हमारे स्कूल का नाम जीवन ज्योति है। हम लोग के नेत्रहीन बच्चे लोग हैं और हम लोग इस दीपावली के अवसर पर मोमबत्ती दिया बनाते हैं और इस दिया के द्वारा हम लोग के बच्चों लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग देश में रोशनी फैलाएं। बच्चे को कहाँ से प्रेरणा मिलती है इस तरीके के काम करने के लिए, क्योंकि वो खुद देख नहीं सकते हैं और दूसरों के घर में रोशनी फैलाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, क्या बताती हैं तुम? हम लोग बच्चे लोगों को बताते हैं दीपावली किस लिए मनाया जाता है और दिया बनाते समय हम लोग उन लोगों का हाथ पकड़ करके सिखाते हैं कि कैसे दिया बनाया जाता है। बच्चों में कितनी खुशी देखने को मिलती है? बच्चे लोग में इतनी खुशी है कि हम लोग उन लोगों का खुशी प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं उसको बताते हैं, वो लोग इतना खुश होते हैं कि सच में दीपावली का क्या अर्थ होता है। कितने प्रकार की मोमबत्तियाँ यहाँ बच्चे तैयार किए हैं? हम लोग के यहाँ पर कम से कम 7 प्रकार के बत्ती हैं। मोमबत्ती कहाँ के कितनी तैयार हुई होगी लगभग में बताएं तो? 2000 मोमबत्ती तैयार हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिका गुप्ता है। अनिका, आप लोग दिवाली आ रहा है, क्या तैयारी कर रहे हैं दिवाली का? दिवाली में हम लोग मोमबत्ती दिया ये सब बनाते हैं और दिवाली के दिन हम लोग रंगोली बनाकर अपने हॉस्टल को सजाते हैं। और जो मोमबत्ती हम लोग तो देख नहीं सकते मोमबत्तियाँ के उजाले को, लेकिन मोमबत्तियाँ जलाकर औरों के घरों में रोशनी फैला सकते हैं। कितनी खुशी होती है आपको काम करते हुए मोमबत्ती बनाते हुए? हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि हम कम से कम नहीं देख सकते और इस रोशनी को देख के कम से कम भाईचारे की भावना उनके मन में जागृत हो कि हम भी दिए की तरह जले और रोशनी फैलाएं।